आज हम बनाएंगे मलाई टिक्का। उसके लिए मैं 2 चम्मच दही लूंगी और 2 चम्मच क्रीम लूंगी, 1 चम्मच चीज लूंगी, 1 चम्मच काजू पेस्ट लूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा इलायची पाउडर, 1 बड़ी चम्मच लूंगी अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इसको मिला लेते हैं पहले। ये मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनके मैं 4 पीस करूंगी। मीडियम साइज के आलू थे, मैंने 1 आलू के 4 पीस करे हैं और इसमें अब हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हल्के हाथ से मिलाना है। ये मैंने 4 घंटे पहले आलू उबाले थे, उसके बाद मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिए थे और उसके बाद काटे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये आलू में हमारा पूरा मसाला लग गया है। इसको मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और तब तक मैं गैस जलाती हूँ और फ्राइंग पैन रख। गैस मैंने जला दी है, लो में रखी है। इस तब तक मैं डालती हूँ इसमें बटर और इसमें डालेंगे ये पीस आलू के। जो जो आलू हो गए हैं उनको मैं पलट देती हूँ। आलू मैंने सारे पलट दिए हैं। इसको पकने के लिए 4 से 5 मिनट लगा, अब दूसरी तरफ भी 4 से 5 मिनट लगेगा। ये आलू मलाई टिक्का हमारा बनके तैयार हो गया है और अब मैं करती हूँ गैस को बंद और अब हम इसके स्मोकिंग फ्लेवर के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्मोकिंग फ्लेवर देने के लिए ये हम पहले रखेंगे इसमें एक एल्युमिनियम फॉयल और इसमें मैंने एक कोयला का टुकड़ा गैस में जलाया और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और इसको लगा देंगे ढक्कन। ये स्मोकिंग फ्लेवर वाले आलू टिक्का बनके तैयार हो गए हैं हमारे। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।